स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ड्रीम पुलिस पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेके, जो कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि डायरेक्शन, दिशा संबंधी प्रश्न। डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ये SSC का एग्ज़ाम हो या बैंक का एग्ज़ाम हो या कहीं ना कहीं रेलवे का एग्ज़ाम हो या पुलिस का एग्ज़ाम हो, SI का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछ ही लेता है। लेकिन हमारे लिए अब चैलेंज का विषय ये बनता है कि जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे लोग डायरेक्शंस को एक एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि डायरेक्शंस की जो डायग्राम्स हैं वो क्या है, और उसके बाद में बिना डायग्राम बनाए अगर हम क्वेश्चन का रिप्लाई करना सीख जाएँ तो वो कैसे सीख सकेंगे, उसकी ट्रिक्स क्या है, उसकी अप्रोच क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शंस में बेसिक चीज़ों को लेकर। जैसा कि आप लोग जानेंगे, अगर आप एक कॉपी और पेपर के साथ में अपने घर पर बैठे हुए हैं, तो जहाँ पे भी आपका राइट हैंड होता है, राइट हैंड वाली जो दिशा होती है, ऐसा अगर ये राइट है, इसको हम हमेशा ईस्ट बोलते हैं, और इधर होगा लेफ्ट में वेस्ट, और वैसे ऊपर आपका होगा नॉर्थ, और नीचे की तरफ में साउथ। बेसिक सी बात है, ये सारे लोग जानते हैं, और अगर जो लोग नहीं जानते वो चीज़ों को समझेंगे। अगर मैं एक इस टाइप से लाइन ड्रॉ करूं, तो इस डायरेक्शन को मैं बोलता हूं नॉर्थ ईस्ट, और इसको मैं बोलूंगा साउथ वेस्ट। उसी तरीके से मैं इस दिशा को बोलता हूं साउथ ईस्ट, और इस दिशा को मैं बोलूंगा नॉर्थ वेस्ट। प्यारे बच्चों, ईस्ट को हम पूर्व बोलते हैं और वेस्ट को हम पश्चिम बोलते हैं, नॉर्थ को हम उत्तर बोलते हैं और साउथ को हम दक्षिण बोलते हैं। हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व होता है। बात करें नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम होता है। अगर हम बात करें साउथ वेस्ट की, तो साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम होता है, और साउथ ईस्ट की बात करूं तो साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व होता है। आप सभी लोग जान चुके होंगे। अच्छा, आप सबने जानते होंगे कि जो पॉइंट होती है ना, उस पॉइंट की वैल्यू होती है कितनी, 116 डिग्री। किसकी वैल्यू होती है, ये एक पॉइंट की। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पे अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं, फिर से यहीं पहुंच जाऊं, तो पूरा का जो रोटेशन होगा वो कितने का होगा, सॉरी 360 डिग्री का। तो अगर मैं बात करूं 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को हमने यहां पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 19 डिग्री की, और यहां पे भी 19 डिग्री की, और यहां पे भी 19 डिग्री, और सेम यहां पे भी 19 डिग्री ही होगा। आप ये बात समझ पा रहे होंगे और उन चीजों को देख भी पा रहे होंगे। आपने क्या देखा, दो लाइंस को जोड़ने पे अगर मैं ईस्ट और नॉर्थ को जोड़ूंगा तो 19 डिग्री का एंगल बनता है। उसी तरीके से अगर मैं साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट के साथ साथ अगर मैं जोड़ूं नॉर्थ ईस्ट को, तो वहां पे भी जो हमारे पास में एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 19 डिग्री का ही एंगल बनता है। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और फिर उसके आगे हम मूव करेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, डायरेक्शंस के बारे में आपने देख लिया। आपको मैं कुछ बातें बता दूंगा, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में होगा वन टाइम लेफ्ट, ऐसा बोला गया रमेश मूव इन इस डायरेक्शन एंड देन टेक वन टाइम लेफ्ट। वन टाइम लेफ्ट की बात की गई, इसका मतलब क्या होगा कि आप हमेशा क्या करेंगे, 19 डिग्री लेफ्ट मूव कर जाएंगे। जैसे मैं आपके इधर खड़ा हूं और मुझे वन टाइम लेफ्ट लेना है, मतलब 19 डिग्री का मैं लेफ्ट ले लूंगा। हमेशा लेफ्ट हो या राइट हो, वो 19 डिग्री में कंसिडर किया जाता है, और 19 डिग्री में ही हम उसको मूव कराते हैं। जैसे मैं ईस्ट की तरफ में जा रहा था, मैंने 19 डिग्री लेफ्ट ले लिया, मैं नॉर्थ के डायरेक्शन में आ गया। उसी तरीके से बोला जाएगा टू टाइम लेफ्ट, टू टाइम लेफ्ट का मतलब होगा अपोजिट डायरेक्शन। आप हमेशा जा रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, और टू टाइम लेफ्ट अगर आप मूव करेंगे, तो एक बार लेफ्ट लेंगे नॉर्थ में जाएंगे, और दूसरी बार लेफ्ट लेंगे तो आप वेस्ट में जाएंगे। तो आप जा रहे थे ईस्ट में और आप जाने लगे वेस्ट में, इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। थ्री टाइम लेफ्ट की बात की गई है, थ्री टाइम लेफ्ट की बात की गई है। सपोज जेड मैं ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और थ्री टाइम मुझे लेफ्ट लेना है, वन टाइम लेफ्ट, टू टाइम लेफ्ट
एंड थ्री टाइम लेफ्ट। तो मैं अब कहाँ जाने लगा, अब मैं जाने लगा साउथ की डायरेक्शन में। आप समझिएगा कि आप जा रहे थे ईस्ट के डायरेक्शन में, आपने थ्री टाइम लेफ्ट लिया तो आप कहाँ जाने लगे, साउथ की डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया थ्री टाइम लेफ्ट का मतलब होता है कि आप अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो डायरेक्टली आप वन टाइम राइट ले लो, मतलब थ्री टाइम लेफ्ट मतलब वन टाइम राइट या 19 डिग्री राइट होगा। वैसे फोर टाइम लेफ्ट की बात की गई है, चार बार आपको लेफ्ट मूव करना है। तो अगर सपोज जेड आप जा रहे हैं ईस्ट के डायरेक्शन में और चार बार अगर आपको लेफ्ट लेना है तो वन लेफ्ट, टू लेफ्ट, थ्री लेफ्ट एंड देन फोर लेफ्ट, मतलब क्या होगा, सेम टू सेम डायरेक्शन बन जाएगा, वही डायरेक्शन बन जाएगा, उसको हम सेम डायरेक्शन बोलेंगे। बोला जाएगा फाइव टाइम लेफ्ट। तो फाइव टाइम लेफ्ट का मतलब क्या होगा बच्चों, कि अगर आप ईस्ट के डायरेक्शन में खड़े हैं और अगर आपको बोला जाए कि आपको फाइव टाइम्स लेफ्ट घूमना है तो आप क्या करेंगे, वन टाइम लेफ्ट, टू टाइम लेफ्ट, थ्री टाइम लेफ्ट, फिर फोर टाइम्स लेफ्ट, देन फाइव टाइम लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कभी भी आपके पास आपके क्वेश्चन में बोला जाए फाइव टाइम लेफ्ट, अगर वह जो लेफ्ट या राइट की बात की जा रही है वो अगर चार से बड़ा है, उसकी वेरिएबल जो है, जो उसकी वैल्यू है वो चार से अगर बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, उसको चार से डिवाइड करेंगे, चार से उसको भाग करेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उतनी ही बार हम लेफ्ट लेंगे या उतनी बार ही हम राइट लेंगे। जैसे मैंने से बोला गया है कि फोर टाइम लेफ्ट, फोर टाइम लेफ्ट की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फोर को अगर फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा, रिमाइंडर बन जाएगा जीरो। लेकिन बोला जाएगा फाइव टाइम लेफ्ट, तो फाइव टाइम लेफ्ट को अगर फोर से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बनेगा, वन बनेगा। चार से डिवाइड करूंगा टोटली कंप्लीट होगा, वन रिमाइंडर बनेगा। वन रिमाइंडर का मतलब क्या होगा, वन टाइम हमें क्या करना है, लेफ्ट लेना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। वैसे आपसे बोला गया है यहाँ पे सिक्स टाइम लेफ्ट, अगर सिक्स टाइम लेफ्ट की बात की गई तो सिक्स को अगर आप फोर से डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे, रिमाइंडर आपके पास में कितना बनेगा, रिमाइंडर बनेगा दो। तो टू टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट लेना पड़ेगा। और टू टाइम लेफ्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देख रखा है। तो उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। आपके पास में बोला जाता है बेसिकली 99 टाइम्स लेफ्ट। जब ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 99 टाइम लेफ्ट, अब आपके पास में ऐसा होता है कि अब 99 बार हम लेफ्ट कैसे मूव करेंगे। तो आपसे अगर ऐसा कुछ भी पूछा जाए तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी आपके पास में नंबर है उस नंबर को आप क्या करेंगे, फोर से डिवाइड करेंगे, उस नंबर को फोर से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बनेगा उतने टाइम लेफ्ट होगा। रिमाइंडर जैसे आपके यहाँ पे कितना बना, रिमाइंडर यहाँ पे बन गया थ्री, और थ्री रिमाइंडर मतलब क्या होता है, थ्री टाइम लेफ्ट, और थ्री टाइम लेफ्ट का मतलब क्या होता है, वन टाइम राइट, जैसा कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता रखा है। तो ये कुछ क्लू होते हैं, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं कि डायरेक्टली हम उस क्वेश्चन के एंड तक पहुंच जाए। तो ये सारी बातों को आप लिख लेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उस पर किस वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या हमारे पास में अप्रोच होनी चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए, उन सारे तरीकों को डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, फिर आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। फिर देखेंगे हम, अब हम देखते हैं राइट के कॉन्सेप्ट को। जैसे हमने लेफ्ट के कॉन्सेप्ट को सिरा सारा सीखा, उसी तरीके से राइट के कॉन्सेप्ट को भी सीखते हैं। मेरे से बोला जाएगा वन टाइम राइट, क्वेश्चन में लिखा जाएगा वन टाइम राइट, तो वन टाइम राइट का मतलब होगा वन राइट, केवल आपको वन राइट ही लेना है। जैसे अगर मैं आपकी तरफ में फेसिंग करके देख रहा हूँ और मुझसे बोला जाए कि वन राइट, तो मैं क्या करूँगा, वन टाइम राइट ले लूँगा। ठीक है, वन टाइम राइट का मतलब ये भी होता है, अगर आप सपोज मैं वेस्ट में हूँ, अब ऐसे बोला जाए वन टाइम राइट, मतलब इसका हम जाएंगे नॉर्थ में चल जाएंगे, तो वेस्ट से नॉर्थ तक अगर हम गए तो हमारे पास में क्या हुआ, 19 डिग्री हम मूव किए, 19 डिग्री राइट में मूव किए। तो इसको कभी कभी ऐसा ही बोलेंगे 19 डिग्री राइट, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू टाइम राइट की बात की जाएगी तो टू टाइम राइट का मतलब अगर मैं वेस्ट में देख रहा हूँ, टू टाइम राइट की बात की गई तो वन टाइम राइट, देन वन टाइम राइट, तो अब मेरी डायरेक्शन कहाँ पे हो गई, ईस्ट की तरफ में हो गई। इसका मतलब मैं देख रहा था पहले वेस्ट की डायरेक्शन में और अब मैं कहाँ देखने लगा, ईस्ट की डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, तो टू टाइम राइट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। थ्री टाइम राइट की बात की गई है, अगर मैं वेस्ट में देख रहा हूँ और थ्री टाइम्स राइट लेना है तो वन टाइम राइट, देन वन टाइम राइट, देन वन टाइम राइट। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आप वेस्ट में देख रहे थे तो आप एक बार लेफ्ट ले लो। तो अगर मैंने आपको बताया कि अगर आपके एग्जाम में ये बोला जाए कि थ्री टाइम राइट, तो आप डायरेक्टली वन टाइम लेफ्ट ले लेंगे और आपका वो सही जवाब होगा या आप क्वेश्चन के आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। फोर टाइम राइट की बात की जाएगी, कभी भी फोर टाइम राइट की बात की जाए या फोर टाइम लेफ्ट की बात की जाए, हमेशा डायरेक्शन सेम होता है। अब अगर हम बात करें फोर से बड़े टाइम, मतलब फोर से बड़ा नंबर हो, जैसे कि फाइव टाइम्स राइट की बात की जाए,
जब 4 से बड़ा नंबर होगा, 5 टाइम्स राइट की बात की जा रही होगी, तो आप 5 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में देखेंगे रिमाइंडर कितना बनता है, और आपके पास रिमाइंडर जो बनेगा वो रिमाइंडर बनेगा 1, क्योंकि 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बनेगा, और 1 रिमाइंडर मतलब होगा 1 टाइम राइट करना है आपको। वैसे आपसे बोला गया 9 टाइम्स राइट, 9 टाइम राइट का मतलब ये होगा कि 9 बार आपको राइट नहीं घूमना है, 9 को आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बनेगा, रिमाइंडर बनेगा 1, और 1 रिमाइंडर मतलब होगा 1 टाइम राइट, ठीक है, 1 रिमाइंडर मतलब क्या होगा 1 टाइम राइट, और ये आपका क्या होगा सही जवाब होगा। वैसे अगर हम देखें यहां पे लिखा गया है 99 टाइम्स राइट, 99 का मतलब क्या होगा, 99 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बनेगा वो रिमाइंडर बनेगा 3, आपके पास जो रिमाइंडर बनेगा 99 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बनेगा 3, और 3 टाइम राइट का मतलब होता है, 3 टाइम राइट का मतलब होता है 1 टाइम लेफ्ट, तो 3 टाइम राइट का मतलब क्या होगा 1 टाइम लेफ्ट भी हो जाएगा अगर 99 बोला गया है। इसी तरीके क्वेश्चन में क्या होगा, आपसे बोल दिया जाएगा 984 टाइम्स राइट, 1224 टाइम्स राइट, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली उस नंबर को डिवाइड करना है, अगर जो भी रिमाइंडर बनता है उतने टाइम आप लेफ्ट कर देंगे या उतने टाइम राइट कर देंगे, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन टॉपिक्स को लेके कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, तो ठीक है बच्चों कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं इस पे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन है कि ए मैन इज फेसिंग इन इस डायरेक्शन, एक व्यक्ति ईस्ट की दिशा में देख रहा है, देन टेक एंड कवर 3 किलोमीटर, और वह फिर वह 3 किलोमीटर चलता है, देन अगेन टेक ए राइट टर्न, फिर दोबारा वह दाहिने घूमता है ऑन कवर 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर चलता है, देन अगेन टेक ए राइट टर्न, फिर वह दोबारा दाहिने घूमता है एंड कवर 2 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वह व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है। अब आपको बताना है, तो आपके पास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे, एक ऐसी जादुई ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू आप क्वेश्चन में बिना डायग्राम बनाए, बिना कुछ किए आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहां पे क्या बोला गया है, मैन इज फेसिंग इन ईस्ट, ईस्ट हमें इधर ही होता है तो हम ईस्ट की तरफ में फेसिंग करवा देंगे, एंड मूव 3 किलोमीटर, सपोज दैट ए मैन है, यहाँ पे एक व्यक्ति है उसकी फेसिंग ईस्ट में है, एंड मूव 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर वह 3 किलोमीटर चलता है, देन अगेन टेक ए राइट टर्न, फिर वह राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेगा तो राइट टर्न लेगा हमेशा नीचे की तरफ में, और राइट टर्न लेता है तो राइट टर्न लिया, और राइट टर्न लेने के बाद में एंड कवर 4 किलोमीटर, राइट टर्न लेके और यह 4 किलोमीटर चलता है, देन अगेन टेक ए राइट टर्न, फिर दोबारा वह राइट टर्न लेता है और मूव 2 किलोमीटर, फिर दोबारा राइट टर्न लेगा, तो अगर हम साउथ के डायरेक्शन में है तो हमारा राइट किधर होगा, इधर होगा, एंड मूव 2 किलोमीटर। बोला गया इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वह व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, इधर क्या होता है, जैसा कि हमने डायरेक्शन बनाया है हमारे पास में इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट और इधर पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, तो आप देख पा रहे होंगे व्यक्ति की फेसिंग इधर है, मतलब व्यक्ति देख रहा है वेस्ट की डायरेक्शन में। लेकिन बच्चों कुछ ऐसा तरीका हो, कुछ ऐसी जादुई ट्रिक्स हो जो बिना डायग्राम को बनाए हम क्वेश्चंस के रिप्लाई तक पहुंच जाए, तो वो कैसे होगा उसको भी सीखते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल सा ट्रिक है, जैसे बोला गया है ए मैन इज फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, तो आप यहाँ पर लिखिए ईस्ट, उसके बाद में फिर आप करना क्या है, देन मूव 2 किलोमीटर, आप इसको स्कीप करिए, देन टेक ए राइट टर्न, राइट टर्न तो आर लिखिए, देन कवर 4 किलोमीटर, देन अगेन टेक ए राइट टर्न, फिर अगेन राइट टर्न, देन फिर से आर लिखिए, देन अगेन टेक ए राइट टर्न एंड मूव 2 किलोमीटर, मतलब इस व्यक्ति ने क्या किया, 2 बार राइट टर्न लिया है और कोई लेफ्ट नहीं लिया, और 2 टाइम्स राइट ही है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर वह ईस्ट में है तो 2 टाइम अगर आप राइट करेंगे तो एक बार जाएंगे साउथ में और एक बार जाएंगे फिर कहां पे वेस्ट में, तो 2 टाइम राइट का मतलब ये होता है अपोजिट डायरेक्शन, तो डायरेक्टली आप बता दीजिए अगर उसकी फेसिंग ईस्ट है तो अब आंसर की फेसिंग क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी,
तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से बता सकते हैं कि बिना कुछ डायग्राम बनाए। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जिससे आप अच्छे से क्लेरिफाई कर सके कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है आपके पास में। एक दूसरा क्वेश्चन है, ए फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब एक ए जो है वो एक पर्सन है और वो फेस कहाँ पे कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ए जो है वो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। देन टेक 3 times लेफ्ट, फिर वह 3 बार लेफ्ट घूमता है एंड कवर 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर चलता है। देन अगेन टेक 4 times राइट, फिर वह 4 बार दाहिने घूमता है एंड कवर 4 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? तो हमारे पास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो पूरे दुनिया के लोग सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन को, वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि व्यक्ति कहाँ पे देख रहा है, नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो हम इसको फेसिंग कराते हैं नॉर्थ, ऊपर होता है। जैसा कि मैं फिर यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ जो कुछ लोग भूल चुके होंगे, ईस्ट फेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो जो व्यक्ति है वो कहाँ पे देख रहा है, इस नॉर्थ में। देन टेक 3 times लेफ्ट, अब 3 times लेफ्ट की बात की गई है, यह व्यक्ति नॉर्थ की तरफ में फेसिंग तो कर रहा है लेकिन कुछ चलेगा नहीं, वह 3 times लेफ्ट लेगा। अब 3 times लेफ्ट लेगा तो 1 time लेफ्ट लेगा, अगर ये नॉर्थ में देख रहा है 1 time लेफ्ट लेगा, आप देखिएगा नॉर्थ में देखेगा तो कहाँ जाएगा, वेस्ट में। फिर 1 time लेफ्ट लेगा कहाँ जाएगा, साउथ में। फिर 1 time लेफ्ट लेगा कहाँ जाएगा, ईस्ट में। ठीक है, हम उसके बाद में फिर क्या बोला गया है, एंड कवर 2 किलोमीटर, और वह 2 किलोमीटर चलता है। तो कुछ आप ऐसा करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। देन अगेन ही टेक 4 times, फिर वह राइट, फिर वह 4 बार दाहिने घूमता है। अब उसकी फेसिंग यहां पे है और आपको 4 बार दाहिने घुमाना है, राइट टर्न लेना है, तो 4 बार आप दाहिने घुमाइए, 4 बार राइट टर्न लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है, तो सेम डायरेक्शन होगा और कवर 4 किलोमीटर, तब वह 4 किलोमीटर चलता है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो जो ये दिशा देख रहा है वो कौन सा दिशा है, वो दिशा है ईस्ट का। तो ईस्ट जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। लेकिन हम जो करेंगे क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए, बिना कुछ ऐसे किए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे मैन इज फेसिंग इन नॉर्थ। जहाँ पे मैन सबसे पहले फेस कर रहा होता है उस पॉइंट को हम लिखते हैं। उस पॉइंट के बाद में हमें करना क्या है, हमें लिखना है यहाँ पे इस साइड में राइट, एक साइड में लिखना है लेफ्ट। हमारे पास में राइट के लिए बोला गया है 3 times लेफ्ट, तो 3 times लेफ्ट एंड 4 times राइट, 4 times राइट। जो भी वेरिएबल बड़ी है, वेरिएबल कौन सा बड़ा है, राइट वाला बड़ा है, तो राइट वाले में से आप लेफ्ट वाले को माइनस कर देंगे। वेरिएबल 4 बड़ा है, राइट वाला बड़ा है, तो राइट वाले में से लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे तो आपके पास में रिमाइंडर कितना आएगा, 1, सॉरी आपके पास बचेगा कितना, 1। आपके पास जब 1 बचेगा, इसका मतलब क्या होगा, वो 1 time राइट, 1 time राइट। अब आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपसे फेसिंग की बात की गई है तो आपसे बोला गया है ये नॉर्थ में देख रहा था, तो नॉर्थ से 1 time राइट लेंगे। अगर आपका कोई बॉडी नॉर्थ में देख रहा है तो नॉर्थ से जैसे आप 1 time राइट लेंगे तो आप कहाँ पे देखने लगेंगे, ईस्ट में देखने लगेंगे। तो ईस्ट जो आपका वो होगा क्या, सही जवाब होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल वे होता है। हालांकि जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कुछ उसके फंडामेंटल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, एक क्वेश्चन उस पर भी करते हैं और सॉल्व करते हैं, उसको भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके पास में एक क्वेश्चन है, रवि फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, रवि उत्तर दिशा की ओर देख रहा है एंड कवर 4 किलोमीटर, फिर वह 4 किलोमीटर चलता है। देन टेक अ लेफ्ट टर्न, फिर वह बाई ओर घूमता है एंड कवर 3 किलोमीटर। उसके बाद में आपके पास 3 questions हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टोटल लेंथ कवर बाई अ बॉडी, टोटल लेंथ बॉडी ने कितना कवर किया है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points, मतलब जो इनिशियल पॉइंट है जहां से बॉडी ने चलना प्रारंभ किया है और जहां तक बॉडी पहुंच चुकी है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो चेक करते हैं, पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं इसी क्वेश्चन पे कि रवि इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ फेसिंग है मतलब इस तरीके से नॉर्थ ऊपर ही होता है, ऊपर की तरफ में फेसिंग है, एंड कवर 4 किलोमीटर, वह 4 किलोमीटर चलता है।
देन टेक अ लेफ्ट टर्न, फिर वह लेफ्ट टर्न लेगा। तो अगर हम इस नॉर्थ में जा रहे हैं और लेफ्ट की बात की जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे। इसका मतलब हमारी डायरेक्शन इधर चेंज हो जाएगी एंड कवर 3 किलोमीटर। ये डायग्राम बनेगा। उसके बाद में मेरे पास में बोला गया है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो जो रवि है, अब वह किस दिशा में देख रहा है। तो ये दिशा है किसकी होती है, यह दिशा होती है वेस्ट की। वेस्ट मतलब पश्चिम की। तो वो बॉडी क्या होगा इसका आंसर, वेस्ट। वेस्ट इसका सही जवाब होगा। दूसरे में चेक करते हैं, टोटल लेंथ कवर बाई अ बॉडी, मतलब जो बॉडी है, बॉडी ने टोटल लेंथ कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस कवर करने की बात की जाएगी तो 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर प्लस 3 कितना होगा, 7 किलोमीटर। तो बॉडी ने कितना कवर किया, 7 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये आपके पास में क्या है, टू पॉइंट्स की बात की गई है। इसका मतलब बॉडी ने कवर करना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां बॉडी पहुंच चुकी है। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। इसका मतलब मुझे इस लाइन की वैल्यू बतानी है। जब इस लाइन की वैल्यू बतानी है तो हमें क्या करना होगा, इस लाइन की वैल्यू हम बता सकते हैं। हमारे पास में हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब अगर हम बात करें एच कौन है, पी कौन है, बी कौन है, लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, तो हमेशा जहां पे भी ट्राइंगल बनेगा, सॉरी जहां पे भी राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल की जो जस्ट सामने वाली भुजा होती है, राइट एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो लाइन कहलाती है हाइपोटेनियस, वो लाइन होती है एच। अब अगर आपकी इच्छा है पी इसको मानना तो पी इसे मान लो, बी इसको मानने की इच्छा है बी इसे मान लो। अगर आपकी इच्छा ऐसी नहीं है, कुछ लोग चाहें कि नहीं मैं बी इसे मानूंगा पी इसे, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब बात करते हैं, हमारे पास में फार्मूले में वैल्यू को पुट ऑन करेंगे। जैसे कि पी की वैल्यू हमारे पास में है एच, और एच का स्क्वायर करूंगा 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास में हो जाएगा 16 प्लस 9, टोटल बनेगा 25। ये वैल्यू होगी एच के स्क्वायर की। अगर हम बात करें h की वैल्यू की तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। और ये 5 किलोमीटर जो होगा वही आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभी तक इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। कल बात करेंगे कुछ आगे क्वेश्चन के और भी अच्छे क्वेश्चन के। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिएगा और ढेर सारा आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।